अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सहर एंड यू आर वाचिंग लकी सहर चैनल। सो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि अपने मोबाइल में येंडेक्स ब्राउज़र किस तरह इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिल सकें। तो चले चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। यह हम आ गए मोबाइल स्क्रीन पर, तो यहाँ हम चलते हैं प्ले स्टोर में, ठीक है, जहाँ से हम इसको डाउनलोड करेंगे। तो ये हम प्ले स्टोर में चले गए। प्ले स्टोर में चलने के बाद यहाँ सर्च बार पे हम लिखेंगे येंडेक्स। येंडेक्स, सिर्फ येंडेक्स लिखेंगे, ठीक है, ब्राउज़र BROW। तो ये देखें, इधर हमारे पास येंडेक्स ब्राउज़र लिखा हुआ आ गया। इसको आप डायरेक्ट क्लिक करें और यहाँ से इंस्टॉल का बटन प्रेस कर दें तो ये हमारे पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 83.47 MB की ये ऐप है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको अगेन कहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल में इस तरह की वीडियोस नहीं होती, मेरे चैनल में मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस होती हैं। मेरे चैनल में एजुकेशन की वीडियोस भी होती हैं, मेरे चैनल पे इस्लामिक नॉलेज की वीडियोस भी होती हैं, इस किस्म की वीडियोस भी होती हैं, एनी थिंग जिस तरह की आप वीडियोस देखना चाहते हैं, हर किस्म की वीडियोस होती हैं। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करनी पड़ेगी ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, और सब्सक्राइब किए बगैर आप मेरी कोई भी वीडियो जो है आसानी देख नहीं सकते, ठीक है। तो चलें, ये हो रहा है अब डाउनलोड। तो नेट थोड़ा स्लो जा रहा है, इस वजह से इसकी डाउनलोडिंग भी स्लो हो रही है। 83.47 MB कोई ज़्यादा नहीं होता डाउनलोडिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे स्पीड बहुत स्लो जा रही है, थोड़ा यहाँ पे नेट स्लो काम कर रहा है। चलो फ्रेंड्स, तब तक ये डाउनलोड होती है, हम वेट करते हैं इसके डाउनलोड होने का। सही, इसके डाउनलोड होने के बाद ही ओपन का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। तो फिर हम उसको ओपन करके ही मज़ीद इसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं कि ये येंडेक्स ब्राउज़र है क्या चीज़ और कहाँ पे ये काम आता है। सही, इसी येंडेक्स ब्राउज़र के ज़रिए आप vidIQ और TubeBuddy की एक्सटेंशन भी बना सकते हैं। और आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप यूट्यूबर हैं तब ये जो है ये वाला जो ब्राउज़र है ये आपके काम आ सकता है, अदरवाइज़ ये आपके काम का नहीं है। और अगर आप यूट्यूबर हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। तो चलें, फ़िलहाल ये डाउनलोड हो रहा है, बहुत स्लो स्पीड जा रही है नेट की, और आई डोंट नो क्यों इतना स्लो जा रहा है जबकि मेरे मोबाइल में कोई स्लो डाउनलोडिंग नहीं होती। तो चलें, हो गई है, बस सिर्फ इंस्टॉलिंग का ऑप्शन आ रहा है, बस ये इंस्टॉल हो जाए ना और उसके बाद ही ये देखें इंस्टॉल हो गया। अब ये ओपन लिखा हुआ आ गया, इसको आप डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर दें, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, तो इसको आप नेक्स्ट कर दें, फिर नेक्स्ट कर दें, फिर लॉन्च प्रोग्राम, इसको आप ओके कर दें। उसके बाद ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके इसमें आ जाएगा मोबाइल में, ठीक है, जिसमें आप जो है फेसबुक, यूट्यूब, ये ट्विटर वगैरह सब कुछ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें पहले क्या हमने करना, ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर यूट्यूब खोल देती हूँ, या यूट्यूब ना ही खोलें, हमने तो येंडेक्स ब्राउज़र की मालूमात करें। तो ये देखें, ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करें, ये देखें ये 3 डॉट्स, इस पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, अगर आप इस ब्राउज़र को डिफ़ॉल्ट तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कर दें, ठीक है। क्रोम, फ़िलहाल मेरे मोबाइल में तो ये क्रोम जो है ये डिफ़ॉल्ट पे जा रहा है, मैंने इसी को रखा हुआ है, ठीक है। आप इसको करना चाहते हैं तो इस पर कर दें। अब ये देखें, बैकग्राउंड गैलरी जो है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड आप किस किस्म का लेना चाहते हैं, जो भी आप इसका बैकग्राउंड रखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है ये रख लिया है बैकग्राउंड इसका, सही है, या चलें इस वक्त मैं आपको रख के नहीं बताती, ये टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। मतलब इससे आप इसका बैकग्राउंड कोई भी रख सकते हैं, जैसे पीछे ये बैकग्राउंड सा बना हुआ ना, ये देखें ये स्क्रीन, तो इस तरह का बैकग्राउंड आप कोई भी रख सकते हैं। फिर ये तीसरे डॉट्स में जाएं, देखें यहाँ ये न्यू टैप है, न्यू टैप पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से नए तरीके से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो ख़ास चीज़ें हैं ये डाउनलोड में, जो आपने इसमें डाउनलोड किया होगा वो आपको शो होगा। जो इसमें ख़ास ख़ास ऑप्शन है वो मैं आपको बता दूँ, इसमें देखें, और इसमें क्या है, ये सेटिंग सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये सेट एज डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के तौर पर इसको रखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको इनेबल कर दें, ठीक है।
और इनेबल सेंसिंग पावर सेविंग मोड से आप इसको वो कर सकते हैं और इसकी बैटरी स्पीड को बढ़ा वो कर सकते हैं सॉरी पावर सेवर सेव पे करके। ठीक है, यहाँ पे टैक्स जूम एंड ऑटो फिट, इसकी जूम वगैरह को आप टैक्स कर सकते हैं और सही है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की इसकी चीज़ें हैं लेकिन इसमें मतलब कोई सा ऐसा वो नहीं है जो आप लोगों के लिए बेहतरीन हो, बस सिर्फ मैं आपको बता दूँ कि ये एक बेहतरीन ऐप है। सही है, ये क्लियर डेटा भी देख लें, अगर यहाँ पे आप इसका डेटा जो है क्लियर कर सकती हैं, जो आपके पास डेटा होगा तो उसको आप क्लियर कर दें, मतलब डेटा हैज़ बीन क्लियर, जो उसमें फालतू का जंक फाइल वगैरह होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। पर्सनल डेटा मैनेजर है इसमें, ठीक है, जो आपका डेटा है इसमें इसको आप पर्सनलाइज वगैरह कर सकती हैं। मुख्तलिफ इसमें देखें ऑटोमेटिक प्रेस ट्रांजिशन है, तो प्रेस ट्रांजिशन जब आप करेंगे तो ये आपकी ट्रांसलेशन है सॉरी, तो ये मतलब ट्रांसलेशन कर देगा मतलब मुख्तलिफ किस्म के लैंग्वेज में, इसको आप हिंदी में करना चाहते हैं, रशियन में, ठीक है, फ्रेंच में, जिसमें भी करना चाहते हैं तो ये इसको वो कर देगा। ठीक है, शो वीडियो ऑन टॉप ऑफ अदर एप्स, तो इसको आप डिसेबल कर दें। इनेबल का मतलब है कि ये जो आपकी वीडियो है ये मुख्तलिफ किस्म की जो आप वीडियो खोलेंगे उसके ऊपर इसकी स्क्रीन थोड़ी सी चलती रहेगी, उसका ये मतलब है। ठीक है, ओपन डाउनलोड, यहाँ पे मैंने कुछ डाउनलोड नहीं किया इसलिए यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा। और फाइल स्टोरेज डायरेक्टरी जो है इसको ये आपसे पूछा कि इसको इसमें जो कुछ आप डाउनलोड करना चाहते हैं ये फ़ोन मेमोरी में करना चाहते हैं या एसडी कार्ड में करना चाहते हैं, मैंने फ़ोन मेमोरी लिख दिया, इसको ओके कर दें। ठीक है, क्योंकि फ़ोन मेमोरी में स्पेस ज़्यादा है, एसडी कार्ड में नहीं है, फिर डाउनलोडिंग में ज़रा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसमें ये बस कुछ स्टोर कैशे ऑन एसडी कार्ड के, जो इसका कैशे है वो एसडी कार्ड में आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर दें, नहीं करना चाहते तो आप इसको डिसेबल ही रहने दें। ठीक है, यह मुख्तलिफ किस्म की इसकी सेटिंग में जो ख़ास ख़ास चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब इस यनडेक्स ब्राउज़र में आप जो है एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड करेंगे, इसमें आप एक्सटेंशन किस तरह डालेंगे, विड आई क्यू का एक्सटेंशन या ट्यूब बॉडी का एक्सटेंशन, तो इसके लिए अगर वो आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स में बता दें, तो मैं आपको अगली वीडियो में ये भी बता दूंगी कि आप यनडेक्स ब्राउज़र से जो है वो एक्सटेंशन कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, विड आई क्यू या ट्यूब बॉडी का एक्सटेंशन, उस एक्सटेंशन से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप किसी भी वीडियो के टैग्स वगैरह ये चीज़ें आप अपने मोबाइल में आसानी से देख सकेंगे कि क्यों कौन से यूट्यूबर ने क्या टैग्स वगैरह दिए हुए और आपके कौन से टैग रैंक हो रहे हैं, सब कुछ आप आसानी से देख सकेंगे। सो व्यूअर, ये थी आज की मेरी वीडियो, अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैं दोबारा आपको कह रही हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें। ठीक है, ओके, अगले टाइम के लिए नेक्स्ट वीडियो अच्छी सी बना के लाऊंगी, तो उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, नहीं पसंद आई तब भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आप एक्सटेंशन डाउनलोड करना चाहते हैं, कैसे डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट्स में लिख के बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए फिर उस तरह की वीडियो बना दूंगी। ओके, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह।